वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को अभ्यर्थियों के हित में बनाया गया है। कृपया इस वीडियो पर किसी प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी ना करें और हम पूरा प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे जो जानकारी हमने आपको थंबनेल में दिखाया है। जी बिल्कुल, इस वीडियो को कल आपने देख लिया होगा, हाई क्वालिफाइंग अंक तय करने वाला शासनादेश को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और रद्द क्यों किया, इसका भी एक रीज़न था। देखिए, यहाँ जहाँ पर हम हाथ को ड्रॉ कर रहे हैं, इसे आप देख सकते हैं, 6 जनवरी 2019 को हुई लिखित परीक्षा के बाद क्वालिफाइंग अंक 65% कर दिया गया था। मतलब कि जब परीक्षा हो गई थी उसके बाद इस मानक को बदला गया था। इसके अलावा ये एक ही परीक्षा नहीं है 69,000 शिक्षक वाली, अभी हम आपको एक और परीक्षा दिखाएंगे। वर्तमान सरकार यानी कि भाजपा सरकार, जिसे आप लोग जानते हैं, इस सरकार में हो क्या रहा है कि परीक्षा हो जाने के बाद मानक बदले जा रहे हैं। और जो वर्तमान सरकार की बात तो छोड़ दीजिए, बहुत ही अच्छा है जो भी है, पूर्व सरकार में हुई भर्तियों की 5 साल से CBI जांच हो रही है। तो क्या ये अच्छा हो रहा है कि परीक्षा होने के बाद मानक बदल दिए जाएं और अभ्यर्थियों को बेवकूफ़ बनाया जाए? यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, ये कल यानी कि 30 मार्च 2019 को प्रकाशित दैनिक जागरण इलाहाबाद संस्करण में इसे आप देख सकते हैं कि 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा होने के बाद क्वालिफाइंग अंक को 65% कर दिया गया था। इसके पहले ये अंक 45% था, उसको भी आप यहां देख सकते हैं जहां पर हम टच कर रहे हैं। आइए अब हम आपको दूसरा प्रूफ दिखाते हैं, अभी हाल ही में हुई एक और परीक्षा के बारे में। अब आप सामने देख रहे होंगे, कांस्टेबल भर्ती में सरकार और बोर्ड से जवाब तलब। जी हाँ बिल्कुल, ये जवाब तलब क्यों हुआ है इसके बारे में आप पूरी जानकारी समझेंगे जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही किया गया है, उसको मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, फिर पूरा न्यूज़ दिखाऊंगा। अधिवक्ता का कहना था कि एक बार कॉमन कट ऑफ जारी करने के बाद क्षैतिज आरक्षण श्रेणीवार लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने सुना होगा ना, उसको मैं यहाँ पे नहीं कहना चाहता हूँ राजनीतिक से संबंधित कोई भी बात, लेकिन इस समय कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ पर आप शुरू से पढ़ सकते हैं, पुलिस व PSC में 41,520 कांस्टेबलों की भर्ती की परिणाम को हाई कोर्ट ने चुनौती दी गई है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और भर्ती बोर्ड से इस मामले में जवाब मांगा है। इस न्यूज के प्रूफ के लिए मैं आपको बता दूं, दैनिक जागरण इलाहाबाद संस्करण 31 मार्च 2019 को छपी खबर के अनुसार ये है, पेज नंबर है 11, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई हुई, रेणु और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुनवाई की। याचिका अधिवक्ता सीमांत सिंह ने कहा कि भर्ती के लिए पहला कट ऑफ 14 दिसंबर 2018 को जारी हुआ था, जिसमें OBC वर्ग के याचिकगण चयनित नहीं हो सकी। दूसरी कट ऑफ मेरिट 181.5322 की जारी की गई, याचिकगण दूसरे कट ऑफ में चयनित हो गए। उनके दस्तावेज सत्यापन के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया, इसमें भी वह उत्तीर्ण हो गई। 18 फरवरी 2019 को अंतिम चयन परिणाम घोषित किया गया, तो याचिकगण का नाम चयन सूची में नहीं था, जबकि उसमें यानी कि उनसे कम अंक पाने वाली अनारक्षित वर्ग की महिलाएं, यानी कि जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं थी, वो चयनित तो हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि श्रेणी भर्ती बोर्ड ने क्षैतिज आरक्षण श्रेणीवार लागू कर दिया, जबकि विज्ञापन में श्रेणीवार आरक्षण, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जबकि विज्ञापन में श्रेणीवार आरक्षण लागू करने की बात नहीं कही गई थी। यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे, दोनों प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया। और इसके आगे आप देख सकते हैं, अधिवक्ता का कहना था कि एक बार कॉमन कट ऑफ अंक जारी होने के बाद क्षैतिज आरक्षण श्रेणीवार लागू नहीं किया जा सकता है। अब आप लोग समझ गए होंगे, अगर इसके बाद भी किसी को बुरा लग रहा है और कोई अगर किसी प्रकार का उल्टा पुल्टा कमेंट करता है, तो उसे बिना कुछ बोले तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद आप कोई भी वीडियोज नहीं देख पाएंगे। अगर आपकी इच्छा है तो आप स्वतंत्र हैं, जो इच्छा वो बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप एक अभ्यर्थी हैं, अपना हित चाहते हैं तो ठीक है, नहीं चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं। अब आपको हम इसमें एक और खबर दिखाते हैं, 31 मार्च 2019 को ही दैनिक जागरण इलाहाबाद संस्करण युवा पेज यानी कि पेज नंबर 8 पर छवि एक और खबर है, आयोग की ओर से सपा शासन काल में हुई 5 साल की भर्तियों की CBI जांच कर रही है। कुछ दिन पहले जांच टीम ने 20 दिन रुक कर विभिन्न परीक्षाओं में
के संबंध में पड़ताल की थी। इससे पीसीएस 2018 फ्री का परिणाम तैयार करने में देरी हुई, क्योंकि आयोग की पूरी टीम जांच की आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने एवं अन्य कार्यों में जुटी रही। अब आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि पिछले 5 साल में क्या हुआ है। जो अभी तक परीक्षाएं हुई उनकी सीबीआई जांच हुई, अभी वो पूरी भी नहीं हुई, और जो वर्तमान सरकार में परीक्षाएं हो रही हैं उनमें क्या हो रहा है। परीक्षा होने के बाद जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद मानक बदल दिए जाते हैं। पहले विज्ञापन में कुछ और दिखाया जाता है और चयन कुछ और के आधार पर किया जाता है। इसको आप लोग अगर सच्ची आंखों से देख रहे हैं तो दिख रहा होगा, अगर भक्ति की आंखों से देख रहे होंगे तो शायद ना दिख रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है, अगर आप इस सच्चाई को किसी और को भी दिखाना चाहते हैं तो कृपया अपने मित्रों में शेयर करें। जो मैंने आपको दिखाया ये आपके विश्वसनीय मीडिया में छपी खबरों के अनुसार दिखाया, दैनिक जागरण आप सभी लोग जानते होंगे, बाकी के और इसमें क्या सच्चाई है क्या गड़बड़ है आप खुद ही देख रहे होंगे। तो कृपया इसे सामान्य दृष्टि से देखें। थैंक यू।